उन्नाव गैंगरेप कांड में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य पर रेप का मुकदमा दर्ज हो गया। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज इस मुकदमे के बाद उन पर गिरफ्तारी का दबाव बढ़ता जा रहा है। गैंगरेप और पुलिस कस्टडी में पिता की मौत की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन बीजेपी के विधायक इतने संगीन मामले में अपना फैसला सुनाने से नहीं चूक रहे हैं। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर दावा कर दिया कि गैंगरेप का आरोप झूठा है। हमारे कुलदीप सेंगर जो हैं वहां उस दिन थे भी नहीं, हकीकत है उनका भाई इन्वॉल्व है, इसमें कोई मारपीट में इन्वॉल्व है। और मारपीट बताइए, आप ही लोग पत्रकार हो मेरे भाई हो, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ ऐसा आरोप कभी झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। महिला उत्पीड़न और हरिजन उत्पीड़न के नाम पर लगता है कि पूरा समाज ही उत्पीड़ित हो जाए। हकीकत है, अब बताइए तीन 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 बच्चे की माँ के साथ कोई रेप करता है? आप लोग भी बात करते हैं, बताइए। मैंने आप भी वैवाहिक जीवन बिता रहे होंगे, मैं भी वैवाहिक जीवन बिताता हूँ। तीन और चार बच्चों की जो माँ है उसके साथ कोई रैप करे, आज जिसके पिता के साथ लाठी चल रहा है उसकी लड़की के साथ कोई रैप करे, ये मनोवैज्ञानिक आधार पर मैं कह सकता हूँ बिल्कुल असत्य है।